चलो भाभी स्टार्ट। क्या स्टार्ट यार, एंड हो गया यहाँ पे। पागल है क्या, तू तो अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है। ओह माय गॉड, फिट मंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो अभी उठ चुके हैं और अभी जाना है, लोकेशन वगैरह सब भैया ने देख ली है, तो लोकेशन पे जाना है, तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं सब। आज सुबह सुबह का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। डेली दिखाते हैं हम आपको क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है। देखो बीच में यहाँ पे एक हेलीपैड भी है किसी का, ये देखो एच लिखा हुआ है। मस्त है यहाँ पे, मस्त। गाड़ी दो इसको एक। कैसे डुग्गा जी, कैसे सो रहे हो आप? गर्दन मुड़ जाएगी। अच्छी बात नहीं है। सलोनी सांग तो कराटे मार रहा है कल रात से ही। हाँ नहीं, वो तो मैडम उसने मेकअप नहीं करना ना, उसने कपड़े बदलने हैं आपको, फिर हेयर स्टाइल बनाना है। नहीं बनाना। तो उठो फिर, दिखाने के नहीं दे रही फिर। शक्ल गंदी आएगी ना, तो तूने मेकअप तो करना है नहीं, शक्ल तो बाद में भी गंदी आएगी। अभी बहुत गंदी आएगी ना, मेंटल एक्सिस हो गई। और ये हीरो मतलब गाने के भी, मेरे हीरो भी रेडी हो चुके हैं। डायलॉग क्या मेरा वाला तो सच है, मैं तो बोल रहा था हीरो नहीं हो मेरे आप। एक दो गाने मेरे साथ शूट कर ले, बात तो करती नहीं है। मैं देखो ये करता। तुम छोटे लोग। ओहो नटंकी बात करो, चलो चलो नटंकी बात करो। आप से एक्टिंग नहीं होती, मुझसे कहाँ से होगी। ओ माय गॉड, फिर मंजीत को बनाया फोटोग्राफर। अच्छा ये काम थालिया करवा सकती हूँ बस। क्या करे, अंग्रेज की फर्स्ट कॉपी, तो अब हम नेक्स्ट अपनी शूटिंग लोकेशन पे जा रहे हैं। और ये देखो ये वही हमारी ट्रैवलर, आधे लोग तो उस पर बैठ भी चुके हैं। सुनो रील शूट करोगे मेरे साथ? अभी जो हम लोग एक रेस्टोरेंट मतलब कैफे में आए हैं यहाँ पे शूट के लिए, और यहाँ पे सब लोग हल्का हल्का नाश्ता वास्ता कर रहे हैं और यहाँ पे इनका शूट चल रहा है। तो भाई सारंग सुहानी को भी इस गाने में रोल मिल चुका है, दोनों भी रोल कर रहे हैं इस गाने में। फोटो तो खिंचवाते नहीं, पता नहीं कैसे शूटिंग में गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। तो अभी बाहर चल रहा है शूट और जो भी लोग हैं उनका यहाँ पे, बाकी लोगों का यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये कैसे चाय पी रहे हो जोमैटो वाले भैया? ये मालिक को जोमैटो वाले को क्यों बिठा रखा है सुहानी? अच्छे लोग हैं। सारा दिन से जो पिज्जा लिया था वो कैसा लगा आपको? खाया खिला रहे हैं, भूखे थे ना। बाहर से पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। हमारे इस कैफे का टेक हो चुका है और अभी देखो यहाँ पे गिरे हैं। डेढ़ मैंने इनकी घड़ी पहनी थी क्योंकि इनका शॉर्ट नहीं था, तो अभी वापस बनवा दूंगी। और अभी ये टचअप कर रहे हैं कपड़े वपड़े, उन्होंने चेंज कर लिए दूसरे शॉट के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक और ही लोकेशन है, वहाँ पर शूट करके फिर सीधा नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे जो है ड्रोन शॉट चल रहा है और वो कुत्ता जो है वो बहुत डर डर जा रहा है। हाँ आपकी हीरोइन भी इधर है, ये बैठी है आपकी हीरोइन। मैं तो बोलती नहीं, आप बोलते हो मुझसे ज्यादा। तो भाई हमारा जो ये है कैफे का ये भी कर लेंगे। साली ये क्या हुआ, ये रुमाल चाहिए और लिखने वाले पोस्टर आ जाए। तो यार सुबह से हम लोग इनका लटके हुए हैं, बस हम आज घूम पा रहे हैं ना फिर पा रहे हैं और इनके शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स हो रहे हैं और सारे के सारे यहाँ पे बोर हो रहे हैं। बेटा तुम पहाड़ देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है ठीक है ना, ज्यादा ड्रामे मत करना कोई भी। हाँ वो देखो वो आई है दोनों हज करके, बेगम ओ बेगम
तुम दोनों की मियाँ एक ही है अलग अलग है। उठा ले तू। पागल है क्या? तू तो अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहे गलती से गिर गई तो आपको दुख होगा। ओए थप्पड़ मार दूंगा। ऐसे नहीं बोलती, क्यों नहीं होगा? मेरा दुश्मन भी गिरे तो नहीं होगा। कीजड़े आनो पत्ते में दे, मत बोलो कुछ। गंदन जानो रिकॉर्ड कर ले। क्या क्वेश्चन बोले? कीजड़े आनो पत्ते में देने से चुम चुम के बंद देने। ये है क्या सेंटेंस पंजाबी का? कोई पंजाबी जितने भी ऑडियंस है कंफर्म करके बताएगी कि पंजाबी की मुहावरा है या नहीं। यहाँ पे कोई पंजाबी नहीं बैठा क्या? नहीं तू ही है बस यार गुंजन। अलग से टी शर्ट पहनी हुई है, उसको देख के भोग रहा था उसको। और वो बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा। अरे आएगा नहीं बंदा, हमको देख के इसने कुछ नहीं कहा। सारंग को देख के ये बुड्ढू है एकदम। बहुत प्यारा, बहुत थे लेट और इन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो हम यहाँ बस में पैक करा के ले आए हैं, तो बस में ही खा रहे हैं लोग। तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे आ गई है। अब मार्केट का वो कर रहे हैं और हम सब लोग जो गाड़ी में ही बैठे हैं, हम लोग पागलों की तरह बिल्कुल। गाइस वेट करते करते इतने मैंने जो है कॉफी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हो गया है, फटाफट से चलते हैं। एक शॉट है वो यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलेज की लाइटिंग मार्केट वगैरह उसके सामने यहाँ पे, मतलब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन तो कहीं और थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ये डायरेक्टर इनको करके भी दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। ये भी इतने स्मार्ट है, कुछ भी पहन लेना सब इन पर अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो भाभी स्टार्ट। क्या स्टार्ट यार, एंड हो गया यहाँ पे। क्या हुआ? पर्स की ऐसी तैसी हो गई सारा। देखो सारी क्रीम गिर गई। मैं वो देखा था मच्छर मारने क्रीम रखी हुई, वो काम भी नहीं आई किसी, और काम और खराब कर दिया। प्रिया हमेशा इसी बैग के साथ क्यों होता है? हाँ पिछले में कल रख गया था। हाँ इस बार ये अभी बज रहे हैं 12:30 और हम लोग मुजफ्फरनगर क्रॉस करा है अभी हमने। अभी हमारा रास्ता बचा है बहुत सारा, तो उससे पहले कुछ खाने पीने का देख लेते, क्योंकि उस टाइम हमने गाड़ी एकदम खींच दी थी क्योंकि लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। शूट वूट के बाद हम सब निकल गए थे और थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने बीच में टैंक भी नहीं लिए। तो अभी फिलहाल जो है खाना ऑर्डर किया है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे खुला हुआ है, तो फटाफट से ज़्यादा भूख तो है नहीं, थोड़ा बहुत खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे वापस दिल्ली। ये देखो हमारे हीरो आ गए। क्या चाहिए? हाँ जी कुछ नहीं, मुझे नींद चाहिए। सो तो रहे थे गाड़ी में, घंटा सो रहा था। रहन दो, सो रहे थे आप? पता नहीं कौन पादे मार रहा था, कंचे बार बननी पे खुल रही थी। तो अभी सब लोग यहीं बैठेंगे और ये हमारा जो है खाना वाना आ चुका है, मतलब थिएटर सबका आ रहा है, तो सब खाना स्टार्ट करेंगे। मामल दाल है, आलू मटर है, एक बज रहे हैं शायद 12:30 है, एक बज रहे हैं, और हम ये प्याज और थोड़े से चावल। तो अभी हम लोग खाना खा के आ गए थे गाड़ी में, और देखो हम बेचारे की टांगे यहाँ पर उड़ने आ रही है, तो टेढ़े करके सो रहे हैं। 3:30 बजे अब जो खाने के लिए मेरे घर पहुँचे हैं, यहाँ से हमारी कार खड़ी है, यहीं पर कार निकाल के फिर चलेंगे अब हम अपने घर। अभी जो है जो हमारा सारा कैमरा वगैरह का डेटा, ड्रोन का डेटा, वो सारा कॉपी हो रहा है, वो हो जाएगा, उसी के बाद हम निकल पाएंगे, तो हो जाएगा तब निकलते हैं। और नींद आ रही यार बहुत ज़्यादा तेज। मैंने जो है इनकी जो टीम थी, एक्ट्रेस थी, उनसे किसी से आपको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कराया है क्योंकि इन्होंने स्पेशली एक BTS सीन शूट किया है, मतलब BTS वीडियो शूट करी है प्रॉपर सॉन्ग की, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि जब सॉन्ग रिलीज़ होगा उसके आसपास ही आएगी। फिर मनजीत चैनल जो मेन चैनल है हमारा, इसलिए मैंने अभी कुछ भी रिवील नहीं किया, वो सब आपके लिए सरप्राइज़ है। क्या डायरेक्टर है, कहाँ पे कैसे हो रहा है, शूट कैसा हुआ, क्या क्या सीन्स थे, स्क्रिप्ट क्या थी, इसलिए मैंने व्लॉग में कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि वो जो है वो ये जो अपना BTS वीडियो डालेंगे उसमें आएगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आपने कर रखा होगा, और नहीं किया तो जाके कर दो ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर दो। तो यार हमें यहाँ पे एक हस्की मिला है, ये ऐसे ही घूम रहा है, रात के 3:30-4 बज रहे हैं, पता नहीं किसका है किसका नहीं, बच्चा है छोटा सा,
पर इसके देखो ना गले में पट्टा वट्टा भी है, हालत ठीक है इसकी। हाँ यही का होगा आसपास का। हाँ किसी ने छोड़ रखा है खेलने के लिए, कुत्ते भी इसके यहाँ के जो गली के हैं वो भौंक नहीं दे ना, कुत्ते तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, कोई बाहर का कुत्ता आता है तो ये खेल रहा है, देख रहा है कुछ कहने ना, बड़े हरामी कुत्ते हैं यहाँ के।